सुंदुस मौफिर एक मोरक्कन मॉडल है जिन्हें फेमस रियलिटी शो MTV रोडीज X9 सीजन 18 में देखा गया था। मेरा नाम सुंदुस, आई एम 27 इयर्स ओल्ड। अब सुंदुस हमें पॉपुलर रियलिटी शो स्प्लिट्सविला के सीजन 14 में भी देखने को मिल रही है, तो आज हम डिटेल में बात करेंगे इस ब्यूटीफुल मोरक्कन मॉडल की जिंदगी के बारे में। सुंदुस का जन्म 17 फरवरी 1995 में मोरक्को में हुआ था। मोरक्को एक नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है। सुंदुस की उम्र 2022 के हिसाब से 27 साल है। अकॉर्डिंग टू सुंदुस, वो मोरक्कन और फ्रेंच हेरिटेज से बिलोंग करती है। उनका रिलीजन इस्लाम है। सुंदुस की फैमिली के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। सुंदुस एक MBA पोस्ट ग्रेजुएट है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट करी थी। 2017 में सुंदुस ने अपनी एक इंडियन फ्रेंड के साथ ट्रैवल एजेंसी शुरू करी जिसका नाम था ट्रिप्स एक्सोटिका। बट कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इशू के चलते सुंदुस ज्यादा टाइम तक इंडिया में नहीं रुक पाई, जिसकी वजह से वो बिजनेस ग्रोथ में ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही थी। सुंदुस हमेशा से ही मॉडलिंग में इंटरेस्टेड थी, इसीलिए उन्होंने अपने पैशन को अपना करियर बनाने का सोचा और वो मुंबई आई जहाँ उन्होंने अपना मॉडलिंग करियर शुरू करा। सुंदुस ने सॉफ्टलाइन जैसे ब्रांड्स के साथ भी कोलैबोरेट किया है। वो काफी ब्राइडल फोटोशूट्स का भी पार्ट रह चुकी है। सुंदुस भले ही मोरक्को से बिलोंग करती है पर उन्हें इंडिया से काफी ज्यादा अटैचमेंट है। इसी अटैचमेंट को बढ़ाने के लिए सुंदुस ने अपना नाम सौंदर्या भी रखा जो कि एक इंडियन नेम है। दिसंबर 2020 में सुंदुस अपनी पहली म्यूजिक वीडियो आजा आजा में फीचर हुई। फरवरी 2022 में सुंदुस ने एक शॉर्ट स्टूडियो फिल्म करी उलझे हुए। ये शॉर्ट फिल्म Amazon मिनी टीवी पर रिलीज हुई थी। 2022 में सुंदुस MTV रोडीज X9 सीजन 18 का भी पार्ट बनी। इस शो के दौरान सुंदुस ने बसीर अली के लिए अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करी। बसीर अली भी MTV रोडीज X9 सीजन 18 के कंटेस्टेंट थे, पर जल्द ही सुंदुस शो से बाहर हो गई। सुंदुस ने बाद में अपने इंस्टाग्राम पर बताया कि उन्हें ज्यादातर टास्क और जोक समझ ही नहीं आते थे क्योंकि वो हिंदी में होते थे। सुंदुस अपनी बात खुलकर रखती थी और किसी से डरती नहीं थी। इसी के साथ साथ उनका केविन के साथ बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप के वजह से सुंदुस रोडीज के बाद बहुत पॉपुलर हो गई। फैंस बहुत क्यूरियस थे कि वो अब उन्हें कहाँ देखेंगे। काफी टाइम से स्पेकुलेशन चल रही थी कि सुंदुस स्प्लिट्सविला का पार्ट होंगी और वो रूमर सही निकले। ये देखना दिलचस्प होगा कि केविन ने सुंदुस को क्या क्या सिखा कर भेजा है। ये भी रूमर्स थे कि केविन और सुंदुस भी थोड़े टाइम के लिए डेट कर रहे थे। अब इस साल स्प्लिट्सविला में बिहाइंड द सीन अनुष्का मित्रा होस्ट कर रही है। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दे कि अनुष्का केविन की एक्स गर्लफ्रेंड है। अनुष्का और सुंदुस की ऑफ स्क्रीन बातें देखने में मजा आने वाला है। बात करते हैं सुंदुस की हॉबीज के बारे में। सुंदुस को ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है। उन्हें नई नई डेस्टिनेशंस पर जाना अच्छा लगता है। शायद इसीलिए सुंदुस ने एक ट्रैवल एजेंसी भी खोली थी। सुंदुस एक राइटर भी है। उन्होंने काफी बार अपनी खुद की लिखी हुई पोएट्री सोशल मीडिया पर शेयर करी है। सुंदुस की इंस्टाग्राम वीडियोस और रील्स देखकर ये भी पता चलता है कि उन्हें म्यूजिक और डांस कितना पसंद है। सुंदुस का अपना एक यूट्यूब चैनल भी है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। आपको सुंदुस कैसी लगती है और आपको क्या लगता है सुंदुस का आइडियल मैच कौन होगा, कशिश हमीद या और कोई, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूले और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।